आने वाले दिन मेरठ के लिए और सबके लिए काफ़ी खतरनाक, कोरोना के लिए खास, कोरोना को लेकर खास तौर से। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरठवासी कोरोना से बेखौफ बिना मास्क लगाए सड़कों पर आ जा रहे हैं। इक्का दुक्का लोग ही, हालांकि कुछ लोगों ने ही मास्क लगाया हुआ है, जबकि आमतौर पर सड़क पर चलने वाले अधिकांश लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आशंका जताई है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, जो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरी ने भी इस चीज़ की चर्चा की है। हालांकि उन्होंने ये माना है कि अभी कोरोना की दूसरी लहर ही चल रही है, तीसरी लहर आने में समय है, मगर जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए आने वाले दिनों में कोरोना की स्थिति और ज़्यादा भयावह हो, ऐसा चिकित्सकों का मानना है। इसके सबसे बड़े जिम्मेदार आम लोग होंगे। अब देख सकते हैं किस तरीके से लोग बाग, दो दो लोग बाइकों पर बिना मास्क के आ जा रहे हैं, ना तो चेहरे पर मास्क और ना सैनिटाइजर साथ में। नवंबर माह हालांकि त्योहारों का मौसम है और इस त्योहार के मौसम में प्रदूषण भी काफ़ी बढ़ा हुआ, जिसको लेकर माना जा रहा है कि प्रदूषण और कोरोना दोनों ही स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध होगा। मेरठ में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने लोगों को आगाह किया है कि वो कोरोना के संक्रमण से खुद बचें और खुद बचाव करें। त्यौहार के इस मौसम में जितना भीड़ भाड़ से बच सकते हैं उतना बचें, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के इस आदेश का या इस निर्देश के किसी भी पालन का असर लोगों में होता नहीं दिख रहा। मैं राजस्थान पत्रिका के लिए मेरठ से KP त्रिपाठी।